जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, भारत में ऐसा बादशाह पैदा ना हुआ, रूप तो हुए तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा ना हुआ, कि सावरकर अंग्रेजों की जासूसी करने वाला, अंग्रेजों के जूते चाटने वाला, आज उसको वीर कहा जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। बसवराज पाटिल यत्नाल को यह कहना चाहता हूँ कि तू हजरत टीपू सुल्तान शहीद की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क की आजादी को, आज मुल्क आजाद हुआ है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्गा। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का एक बयान आया जिसमें लोगों को जो है, लोगों के दिमागों में जहर फैलाने का काम कर रहा है और अवाम को शिवाजी और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक शिवाजी और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद अपना एक मुखान रखते हैं और ये लोग अपनी सियासी मफाद के खातिर यहाँ पर ये बेतू के बयान दे रहे हैं, तो मैं बसवराज पाटिल यत्नाल को ये कहना चाहता हूँ कि तू हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है और तेरे जैसे हज़ारों लोग आए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की तारीख मिटाने की कोशिश करे, लेकिन वो तारीख नहीं मिटा सकते। सिर्फ कर्नाटक का स्टेट नहीं, पूरी दुनिया भर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद को सलाम करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, बसवराज यत्नाल पाटिल जैसे कुछ लोग जो कम जहन रखने वाले लोग ऐसे बेतों का बयान देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक वाहिद बादशाह है पूरे हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ते लड़ते अब शहीद हुए, तो वहाँ पर दूसरे कोई भी बादशाह नहीं हुए, अंग्रेज़ों के साथ कोई नहीं लड़े। तो ये जो बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल या उनके बाप दादाओं ने कभी भी अंग्रेज़ों के साथ नहीं लड़े, ये आरएसएस के संघ परिवार के लोग कभी भी आज़ादी के जद्दोजहद के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, कभी इस मुल्क के लिए अपनी जान की बलिदान नहीं दी, और वो लोग वहाँ जेल के अंदर माफ़ी मांगने के खत खतूत करने वाले लोग आज वो देशभक्त हुए जो देश के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते जंग के मैदान में शहीद हुए, वैसे लोगों को देश का गद्दार कहा जाता है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, भारत में ऐसा बादशाह पैदा ना हुआ, रूह तो हुई तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा ना हुआ, ऐसे बादशाह के ताल्लुक से अगर आप बोलते हैं तो बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। बसवराज पाटिल यत्नाल को हम ये कहना चाहते हैं, बड़े बड़े बात जो ठहर कर कह रहा है तेरी औकात नहीं। और मैं उनको दूसरे भी वो कतील जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, इस इलेक्शन के अंदर यहां पर दो मजहब के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तू कतील है एक पॉलिटिकल पार्टी का, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, तो तेरे को शर्म आना चाहिए कतील को, कि यहां पर जो बीजेपी की हुकूमत थी पिछले कई तीन साल से, तो वो आप लोगों ने क्या कारनामा दिया है, क्या आप लोगों ने अवाम के लिए काम किया है, पहले वो बताओ। ये हटाने के लिए, ये डाइवर्ट करने के लिए हजरत टीपू सुल्तान और शिवाजी सावरकर के बीच में एक कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, ये इनकी औलाद है, ये इनकी औलाद है, ये नहीं, ये तमाम लोग इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं। शिवाजी की बात रहने दो, चाहे हजरत टीपू सुल्तान शहीद की बात रहने दो, लेकिन सावरकर की जहां पर बात आएगी मैं वो भी कहना चाहता हूं कि सावरकर अंग्रेजों की जासूसी करने वाला, अंग्रेजों के जूते चाटने वाला, आज उसको वीर कहा जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। सावरकर के साथ वीर का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को अगर वहां पर उनको एहतराम करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है। यहां पर लड़ने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क की आजादी को, आज मुल्क आजाद हुआ है, और यहां पर ये लोग बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, यहां पर एक एमएलए रहने के नाते जात पात के नाम पर अगर वो दरार डाल रहा है तो बड़े अफसोस की बात है। वो संविधान, सिर्फ संविधान शपथ लेने के लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को जोड़ कर रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये मुल्क हमारा सेकुलर है, जात पात के नाम पे हम नहीं बांट सकते, हम अलग ये जात वो जात के ऊपर नहीं कर सकते, नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से सेकुलर वर्ड निकालो।
निकाल के बताओ देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को आप धक्का नहीं दे सकते क्योंकि आप बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो संविधान को नहीं मानते, इसलिए संविधान की मुखालिफत के तौर पे आप लोग ऐसे बयान दे रहे हैं।